नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे कि स्कॉर्पियो साइन जो है उसकी ऊर्जा कैसी है, जिसका शुरुआत हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंट्यूशन का कारक कौन सा भाव है, ब्लैक मैजिक, मैजिक तंत्र, जादू, इल्यूजन, इन सब चीजों का कारक भाव कौन सा है, कहां से हम इस चीज को देखते हैं कि किसी के ऊपर काला जादू हुआ है, कोई तंत्र प्रयोग हुआ है, कोई ऊपरी, मतलब जिसे बोलते हैं कि ऊपरी साया, ठीक है, ऊपरी हवा, इन सब चीजों का कुछ प्रयोग अगर हुआ है, ये भी आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली बार बात की थी कि जो एट्थ हाउस है, स्कॉर्पियो साइन है, ये अनअर्न्ड इनकम है। ठीक है ना, ये भाई हूं वहां करते रहो, नहीं प्लीज मुझे हाँ सर ऐसे हाँ तो सर हाँ मजा नहीं आ रहा। ठीक है, जी ऐसा है ना, कोई सर कंट्रडिक्शन आप बिल्कुल बोल लो कि भाई नहीं है ऐसा, ठीक है, नहीं तो नहीं ये सही है सर सही हम मैं करेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन अन हम जानते हैं कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें 11th हाउस में पहुंचना है, हमें गेन्स में पहुंचना है, तो हमें थ्रू 10th हाउस होके जाना पड़ेगा अपने करंट जीवन में। ठीक है ना अनिल जी, सर है ना जी, तो हमारे करंट जीवन में हमें अगर 11th हाउस गेन्स में पहुंचना है, तो हमें 10th हाउस से होकर जाना पड़ेगा, यानी कि हमें कर्म करने पड़ेंगे, कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। लेकिन 8th हाउस को हमने अनअर्न्ड इनकम बोला, ठीक है, जो अकस्मात हमें बिना मेहनत के, जो 10th हाउस को बाईपास करके हमें मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बिना कर्मों के कुछ मिलता नहीं है, ये भी बात है। और हम 8th हाउस को काफी, मतलब काफी खराब हाउसेज में गिनते हैं अपने हॉरोस्कोप, किसी भी हॉरोस्कोप में हम 8th हाउस, 8th लॉर्ड को खराब ग्रहों में गिनते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल कुछ जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो वो सोचते हैं कि अनअर्न्ड इनकम जो है स्पेकुलेशन है, ये मतलब इजी मनी है, तो ये इसको एक, इसका पॉजिटिव ट्रेड मानते हो, इसको एक अच्छा घर, मतलब इसका, मतलब इसकी एक पॉजिटिव साइड गिनाने की कोशिश करते हैं कि हमें अनअर्न्ड इनकम मिल रही है स्पेकुलेशन से, जुए से, सट्टे से, इंश्योरेंस वगैरह, ये इधर उधर से बिना एफर्ट्स किए हुए हमें पैसा मिल रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो 8th हाउस है वो इल्यूजन का भी है, भ्रम का भी, सीक्रेट्स, है ना। बहुत बार हमने केसेस में देखा है कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं, तो पैसा जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। जी सर हम कई बार, आपने बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये जुए सट्टे में, मतलब इस चीज में कोई भी बरकत नहीं है। बरकत मीन्स कि कोई भी इसमें वृद्धि नहीं होती, जैसे ही पैसा आता है वैसे ही चला जाता है। एल्यूजन, क्या ये हमें सिर्फ एल्यूजन देने के लिए आता है? हमें लगता है भ्रम कि हम रिच हो गए हैं, लेकिन जैसे गया पता लगा, वो आया और साथ में जो साथ था वो भी लेके चला। जुआरी देखे, एक दिन जीत जाता है ना, 100 दिन पैसा लगाता है ना, जी सर कि आज मैं जीता हूं कल भी जीतूंगा, अच्छे चलो आज नहीं जीता कल जीत जाऊंगा, उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। सेम ही केस होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में भी एक दो कुछ फायदे हो गए, मोस्टली लोगों का पैसा कैसे घुसता है, क्योंकि वो तो प्लेयर हैं उसके, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो लालच में हो जाते हैं ना, आज थोड़ा कमा लिया,
थोड़ा थोड़ा उनको गेन्स होते रहे, फिर बाद में एक बारी वो डाउन होता है और जो 4 पैसे खुद के पास हैं वो भी इसी भ्रम के अंदर चले जाते हैं। जी ठीक है सर ना। लेकिन 8th हाउस अगर मैं कहूं कि अनअर्न्ड इनकम नहीं है, 8th हाउस वो इनकम है जो हम इस करंट लाइफ में, इस करंट जीवन में बिना कोई एफर्ट्स किए हुए कमाते हैं। मतलब पूर्व जन्म के पुण्य, पंचम से 4th पड़ गया ना, जी है ना। जी 8th हाउस अगर बहुत पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो आप क्या करोगे कि अपनी वेल्थ को आप दूसरों के काम लेके आ रहे, लंगर लगा दिया, कोई चैरिटी कर रहे हो आप। अगर 8th हाउस, 8th की महादशा है, 8th हाउस है, मैलेफिक रिजल्ट दे रहा है, तो आप ये देखेंगे कि आपके साथ वही वेल्दी तो आप, लेकिन चीटिंग हुई और चीटिंग होके वो जो आपके पास कुछ मतलब पैसा है वो दूसरे ने हड़प लिया, फ्रॉड हो गया आपके साथ। ठीक है ना। तो ये नेगेटिव साइड जा रहा है 8th हाउस का, राइट। मोनिका जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है जी? मेरे यहां से मोनिका जी, हाँ, क्या आवाज आ रही है? टीवी की या रेडियो की कुछ ऐसे? जब हमें कोई चीट कर जाता है तो क्या ये वन टाइम, मतलब एक ही जीवन का अफेयर है, एक बार ही हमारे जीवन में, मतलब इस जन्म का ही वो अफेयर है। वो कुछ है, अगर हमने पहले कभी कोई पाप किया है, किसी का पैसा हड़पा है, तो किसी ना किसी रूप में वो एक ऑन गोइंग चेन है। हम जब कोई काम करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो अच्छे बुरे कई तरह के कर्म करते हैं। क्यों? हाँ जी, हम लोग कई तरह के कर्म करते हैं। अगर हमने कोई बुरे कर्म किए हैं तो उसका खामियाजा भी वैसे ही चुकाना पड़ता है। हमारे जो धर्म के अनुसार, क्या जो हम कर्म ऐसे करते हैं जो कि निस्वार्थ कर्म है, हम किसी की जो मदद करते हैं और उसके बदले में हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि इससे हमारा फायदा होगा या नहीं होगा, तो वो सबसे अच्छी, मतलब उच्च कोटि का अच्छा कर्म माना गया। ठीक है जी, ठीक है। जी सर। लेकिन जब हम कोई पाप करते हैं, अब कुछ लोगों का ना इस क्वेश्चन होता है कि जब सब कुछ डेस्टाइंड है ना, सब कुछ मतलब एक डेस्टिनी के हिसाब से चल रहा है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी? होना तो वही है जो होना है, कर्मों सर का बैगेज है। लेकिन पाप भी 2 तरह के हैं, ठीक है। एक तो आपने किसी के अगेंस्ट प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके, बिल्कुल सोच समझकर अपने जमीर और कॉशियस को जानते हुए आपने पाप किया, किसी के अगेंस्ट कुछ कर दिया। एक होता है कि एक सिचुएशन हुई, जी एग्रावेट हो गई, जैसे भी हो गई, आपने बच्चे को डांट दिया या किसी को कुछ बुरा भला कह दिया, कोई पाप कार्य आपसे हो गया, ठीक है। तो वो आपने कुछ सोचा समझा नहीं है ना, आपने कोई प्लानिंग करके नहीं किया, अचानक हुआ। हैपन अचानक हो गया, या विद द फ्लो सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस की वजह से हो। तो जो पाप कार्य आप प्लान करके कर रहे हो,
उसका जो आपको रिटर्न देना है वो फिक्स है, ठीक है जी। जिसे हम बोलते हैं ना कि ग्रह फल, लाल किताब में बोलते हैं राशिफल के फल और ग्रह फल जैसे। और ये चीज वैदिक भी मानती है, ठीक है। लेकिन यहां पे कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको प्रायश्चित किया जा सकता है, कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके रिजल्ट्स ऑल्टर किए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके रिजल्ट्स हैं वो ऑल्टर नहीं किए जा सकते। अच्छा। आयुष है ना, 8th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारे कर्मों, जो हमारी स्ट्रगल्स हैं। हम स्ट्रगल्स कहां से देख रहे हैं? 8th हाउस। 10th हाउस है जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, जहां हमें मेहनत करनी पड़ रही है। 10th हाउस है, 10th से 11th है 8th हाउस, 5th से 4th है, जो वो कर्मों का बैलेंस चल रहा है, ठीक है। उपाय हो जाते हैं, हम उपाय के लिए जाते हैं या हमें कहीं से गाइडेंस मिल जाती है, टफ सिचुएशंस के अंदर हम उसे फॉलो कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो फंसा हुआ काम है वो निकल जाता है। आपको कोई बीमारी हुई, आपने डॉक्टर के पास गए, उसने मेडिसिन सजेस्ट की, प्रिकॉशन सजेस्ट की, आपने किया, आप ठीक हो गए, पाप का असर हुआ लेकिन वो ठीक हो गया, क्योंकि वो एक ऐसा हमें फल मिल रहा है जो कि एक अनप्लैंड था, कोई बुरा कार्य ऐसा हो गया जो कि इंटेंशनली नहीं था, ठीक है ना। लेकिन ठीक ही नहीं हो रहे हो, मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो वहां भी काम नहीं बन रहा, उसके पास गए वहां भी काम नहीं बन रहा, किसी की एडवाइस काम नहीं कर रही, वो मुश्किल हालात हमें जो हैं फेस करने ही पड़ रहे हैं। किसी ने चीट किया, हमारी वेल्थ ले ली फ्रॉड करके, प्लान करके हुआ ना, प्रीवियस बर्थ के कर्म भुगत रहे हैं। हम इस जन्म में कुछ लेके आते हैं, वो हमारे प्रीवियस बर्थ की बदौलत है। फिर हम यहां कर्मों की श्रृंखला को शुरू करते हैं, तो वो एक चेन रिएक्शन चलता चला जाता है। आयुष को भी दिखाता है ना 8th हाउस, और अगर आयु है तभी आप कर्म करोगे। वट एवर यू विल गेन इन योर कर्म इज ड्यू टू द 8th हाउस, Isn't it? आप म्यूट है मुनके, ठीक नीच दोष 8th हाउस। है। तो ये अनअर्न इनकम नहीं है, ये एफर्ट्स हो चुके हैं। कहाँ हो चुके हैं? पिछले जन्म में हो चुके अच्छा। हैं, करंट लाइफ के एफर्ट्स नहीं। फिर 8th हाउस जो है वो इंडिकेट करता है सीक्रेट कर्मास को, सीक्रेट कर्म है जो हमारे हमारे सीक्रेट सीक्रेट्स को, हमारे सीक्रेट ऑर्गन्स को, जिन ऑर्गन्स को हम मतलब दूसरों से सीक्रेट रखते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। 8th हाउस 2nd हाउस का ऑपोजिट है, ठीक है। फेस है ना, जी सर। वो हम दिखाते हैं, और सीक्रेट चीजें मतलब 8th हाउस के ऑपोजिट है, हम वो हमारे बॉडी पार्ट्स जो हम कवर करके रखते हैं, ठीक है ना। 2nd हाउस, लेकिन हम बोलते हैं कि जो ये समसप्तक भाव होते हैं, एक दूसरे के पूरक है ना। जो हमारी वेल्थ है, हमारा पैसा है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है, पहले आपने देखा था बुजुर्ग बोलते थे, जो हमारे बुजुर्ग होते थे ना, कि भैया अपनी फाइनेंशियल स्थिति जो है किसी को बताइए मत, वो हमेशा छिपा के रखते थे, अंडर कवर रखते थे। अगर ज्यादा होते थे ना तो भी ऐसे दिखाते, बस प्रभु की कृपा है जी। किसी पुराने बुजुर्ग बनिया से पूछो, बोला जी क्या दाल चल रहा है, पैसे फुल्का पूसे कैसे आ रहे हैं, बोला बस कृपा है जी, दाल फुल्का चल रहा है। दाल रुक।
दाल रोटी चल रही है। दे नेवर रिवील देयर एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस टू द पब्लिक, ठीक है, उसको सीक्रेट रखना है। 8,000 सीक्रेट का, फाइनेंशियल स्टेटस 7,000, उसको सीक्रेट रखना है, लोगों को नहीं बताना है, ठीक है। अगर आप बताओगे अपने रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज है ना, आप अगर शेखी बिगाड़ोगे, लोगों को बताओगे तो क्या होगा? बिल्कुल जाएगी आपकी आयु पे बन पड़ेगी, आपको अपनी वेल्थ देनी पड़ेगी अपनी आयु को बचाने के लिए। नजर गुंडे बदमाश को पता लग गया तो फिरौती के लिए फोन आ जाएगा कि भैया दे दो इतने, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो आप अपनी आयु को बचाने के लिए क्या करोगे? अपने धन, अपने कुटुंब को बचा, उस कुछ पार्ट जो है उसका उन्हें दे दोगे फिरौती, क्यों जी सर है कि नहीं? जी फिर सेकेंड हाउस हमारी आंखें हैं। जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम देखते हैं और उसको समझ लेते हैं, देखकर समझ समझते हैं ना, आप लोग बैठे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं। एट्थ हाउस क्या है? इल्यूजन, जो आप देख नहीं पा रहे। इंट्यूशन, जो आंखें नहीं देख पा रही हैं, जो आंखें देख नहीं सकती हैं। अगर देख मतलब देख नहीं सकती और देख नहीं सकती वो उस समझ नहीं सकती, ऐसा हाउस जहां हमें सरेंडर करना ही पड़ेगा। नोट कर लीजिए ये, कोई भी प्लेनेट अगर 8th हाउस के में है आपके, ठीक है, तो उसके सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग मतलब साथ आपको उसके सामने आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आप वहां कुछ नहीं कर सकते। अब आप देखो हॉरोस्कोप्स में, सब लोग एक्सपीरियंस हो, सूर्य 8th हाउस में है। आप अपने पिता से जितना मर्जी आर्गुमेंट करते रहो, जितना मर्जी उन्हें समझाने की कोशिश करो, वो आपको उनके आगे सरेंडर करना ही पड़ेगा। जब आप सरेंडर कर दोगे फिर लाइफ खुश फिट हो जाएगी, फिर वो भी खुश आप भी खुश। तो जुपिटर और चंद्रमा हो तुम जुपिटर और चंद्रमा हो तो माता के सामने, बड़ों के बच्चों सामने, बुजुर्गों के सामने, आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे। देखो आप समझ नहीं पा रहे हो, आप समझ ही नहीं पाओगे, आप जितना भी समझने की कोशिश करोगे आप समझ नहीं पाओगे। तो बेटर है कि जो चीज समझना है वहां सरेंडर कर दो। केतु की एनर्जी देखो बहुत प्रोमिनेंट है यहां पे। केतु आपके हॉरोस्कोप में जहां बैठा है, देयर यू हैव टू सरेंडर, आपकी एक नहीं चलेगी। यू कैन नॉट यूज योर हेड देयर, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते वहां पर, आपको वहां चीजें भगवान के ऊपर छोड़नी पड़ेंगी, और जैसे ही आप छोड़ दोगे वो सिग्निफिकेंस इंप्रूव हो जाएंगे। क्यों, ठीक है जी? जी सही सर। है, 8th हाउस वाली एनर्जी है। सर अगर राहु हो तो अब क्या समझेंगे? राहु तो दिमाग है ना, वो तो मैनिपुलेट करना जानता है, छुपाना तो ठीक है। कैसे आप सर? केतु जहां पर है, आप देख लो अपने अपने हॉरोस्कोप में लगा के देख लो, आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। केतु क्योंकि लगन में है, ज्यादा केतु सोचने की जरूरत नहीं है, फ्लो के साथ बह जाओ, केतु जीवन का जो फ्लो है उसके साथ बह जाओ, हाँ जीवन बहुत बढ़िया केतु रहेगा। ज्यादा केतु दिमाग वाली लगाओगे तो एनर्जी जीवन में उतनी कठिनाइयां आती आने। हाँ जी किशोर जी बोलिए। केतु जो है, नहीं तो फिर बाल की खाल निकालेगा वही है ना, फिर सरेंडर वहां नहीं। इंसान उलझता चला जाता है, हाँ ब्रह्म ठीक है ना। देखिए आप वहां पे 8th हाउस में कोई प्लेनेट जा रहा है, आप देखिए, आपको वहां समझ में नहीं आएगा कि आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट सी इट बियॉन्ड योर मेंटल एबिलिटी, बियॉन्ड योर जो आपके लॉजिक से परे की बातें होंगी, वहां आपके दिमाग में नहीं घुस पाएगा वो चीज।
क्यों? आप अपना फीडबैक तो बताइए, सभी एक्सपीरियंस हैं आप। ये सर जुपिटर और चंद्रमा का क्या बताया आपने? मार्स मार्स है आप मदर का फाइनेंसिस को कैसे हैंडल करना है, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, आपके जो बुजुर्ग हैं, वहां आपको यू हैव टू सरेंडर। आप अगर प्रॉपर्टी के लिए उनसे झगड़ा करोगे, जायदाद के लिए, कभी नहीं मिलेगी, नुकसान हो जाएगा। अच्छा आप बोलो ठीक है जी, आपको देनी है दे दो, नहीं देनी ना दो, चलो आगे बढ़ो, फिर आपका काम हो जाएगा। चंद्रमा लिक्विडिटी भी है ना, फोर्थ हाउस भी है ना चंद्रमा। जितना आप सुख के पीछे भागोगे उतना सुख आपसे दूर भागेगा। सेटिस्फाई जो है उसपे सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए। करो, सेटिस्फेक्शन लेकर आओ। इन लॉज, एट हाउस संतोष जी, इन लॉज, ठीक है, हाँ ये चीजें आप देखिए। राहु भी इन लॉज हो गया, लाइक आई हैव राहु देयर। सो यू नो राहु इज योर अंबिका जी, फादर। यू नो इफ एक यू सेकेंड राहु प्लीज प्लीज प्लीज। ओके अच्छा राहु राहु इज योर पेटरनल साइड, केतु इज योर मेटरनल साइड, दादाजी केतु इज योर नान के। हाँ, केतु नाना चंद्र चंद्र बृहस्पति वहां पे आप देखो, यानी हाल में यू वहां पे आपका कुछ नहीं चलने वाली, ठीक है। चंद्र एट हाउस में हो तो ननिहाल प्रॉब्लम्स में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। चंद्रमा 8th हाउस में हो तो हाँ देख लीजिए आप। नहीं, मेरे बेटे की कुंडली में गुरु और मंग चंद्रमा है 8th हाउस ठीक है तो जी। उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा रिसर्च वर्क हाँ में प्लीज भी प्लीज, रिसर्च ओरिएंटेड भी, वो भी एक उसका सिग्निफिकेंस है ना। ये रिसर्च वाला पार्ट हमने कल डिस्कस किया। सेकंड सिग्निफिकेशंस इल्यूजन है ना, हम वहां चीजों को समझने में फेल हो जाते हैं। मिस्टीरियस चीजें जो आपकी लाइफ में होती हैं उसका सिग्निफिकेंस भी 8th हाउस है, जो आप अपनी आंखों से देखते हो। सेकंड एंड 12th हाउस, 6th एंड 8th हाउस कंफ्यूजन एल्यूजन्स, जो आपकी आंखों को एल्यूजन होते हैं। इसलिए 8th हाउस इज द हाउस ऑफ मैजिक, क्योंकि मैजिशियन एल्यूजन क्रिएट करता है, कंफ्यूज करता है आपके माइंड। आप वहां फोकस नहीं करते जहां आपको करना चाहिए, आपका फोकस कहीं और होता है और वो एल्यूजन क्रिएट कर देता है। जादू, काला जादू, तंत्र, इसीलिए इसीलिए जो 8th हाउस है वो जादू का है, मैजिक का है, ब्लैक मैजिक का है, ठीक है, तंत्र का है, धोखे का है, एल्यूजन का है, फ्रेब का है, ठीक है ना, इंट्यूशन का है। यू कैन नॉट एक्सप्लेन इंट्यूशन, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इंट्यूशन को, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप कोई तर्क दे सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं इंट्यूशन? नहीं। समझा सकते हैं? नहीं। अध्यात्म समाज समझा सकते हैं? नहीं। पैरानॉर्मल यू कैन एक्सप्लेन टू एनीवन? नहीं। स्पिरिट्स, ठीक है ना जी। आत्माएं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल चीजें, 8th हाउस, जो आपकी आंखें नहीं देख सकती। है कि नहीं? स्पिरिट्स जिसको दिखनी है दिखेंगे, जिसको नहीं दिखनी है नहीं दिखेंगे। जो समझेगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं समझ पाएगा। आप कितने भी कोशिश करते रहो, एंडलेस डिबेट होगी, आप समझ ही नहीं सकते। जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है वो बता सकता है कि हाँ भैया ये चीज है, ठीक है ना।
लोग जादू में, ब्लैक मैजिक में, तंत्र में कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते, बिकॉज दीज थिंग्स आर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते दूसरे. ठीक है, जी सर, जी 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 ये जब हम देखते हैं किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तंत्र हुआ है, काला जादू हुआ है, किसी पे कोई ऊपरी कसर है, मंगल शनि केतु देखिए, एट्थ लॉर्ड देखिए, चंद्र का, अब आप बोलोगे हमने ये देखा, अब मैं आपको बोलूंगा कि चंद्र का अफ्लिक्शन में जाना भी जरूरी है. ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है, और वो मन जो है वो एट्थ हाउस में आके नीच का हो जाता है. बिल्कुल यही सबके तो बुरे चंद्र, सपने हैं आते हैं, जी, सब बुरे सपने यही आते हैं। ठीक है, तो चंद्र का एफ्लिक्शन में जाना जरूरी है. जब आपका चंद्रमा एफ्लिक्शन में होता है, चंद्रमा केतु के एफ्लिक्शन में चला गया, मार्स की एफ्लिक्शन में चला गया, या शनि मार्स केतु चंद्र ऐसा कुछ हो गया, तो आपके ऊपर क्या हो सकता है? काला जादू, ब्लैक मैजिक, कोई ऊपरी कसर, कोई तंत्र प्रयोग आपके ऊपर हो सकता है, या आपका इंटरेस्ट होगा उसमें. आप तांत्रिक हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, कोई साधना करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है आपका. चंद्र केतु मैंने देखा, और उसको चंद्र केतु ट्राइन में है. ठीक है, वो उसका इंटरेस्ट क्या है, और ना केतु के ऊपर मंगल का प्रभाव है, और मंगल अच्छी स्थिति में है. अब वो डरता नहीं है या डरती नहीं है, वो तंत्र में बड़ा इंटरेस्ट है, साधनाएं करने की कोशिश करता है कि कोई साधना कर लूं, कुछ कर लूं, तंत्र को समझूं, और उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाले वीडियोस वगैरह देखना बड़ा अच्छा लगता है. यहां चंद्र अगर स्ट्रांग हो, लेकिन यहां पर चंद्र का मेन रोल है, चंद्र स्ट्रांग है और मंगल स्ट्रांग है तो वो तांत्रिक है. केतु का प्रभाव साथ में आ गया, शनि का प्रभाव आ गया, लेकिन ये प्लैनेट्स अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो वो तांत्रिक है, दूसरे पे तंत्र प्रयोग करता है, डरता नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहादुर होना भी जरूरी है ना. अब जो छोटे दिल वाला है वो तो उधर ही बेचारा निकल लेगा, एक आध एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मरघट भी है, पंखान ठीक है, भी है। ऊपर टिकट कट जाएगा उसका ऊपर, है ना. लेकिन जिसके ये प्लैनेट्स मजबूत हैं और इनका कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, वो क्या है, उसका इंटरेस्ट है, वो तंत्र को समझने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है, साधनाएं पाने की कोशिश करता है, साधना पाना चाहता है, दूसरे पे तंत्र प्रयोग करता है. अच्छा, उस पर भी हो जाता है, इन लोगों पर हो भी जाता है. इस लाइन में क्या है कि तांत्रिक वाली लाइन में अगर कोई अपने से उससे स्ट्रांग कोई मिल गया तो वो उसको लपेट लेगा. ठीक है ना जी. तो ये है एट्थ हाउस के सीक्रेट्स को, हमने थोड़ी सी सीक्रेट्स को रिवील करने की कोशिश आज के सेशन. दूसरों को मांगल्य भी है ना, हाँ जी, पति की आयु हाँ, पति की होगी आयु, आपके आपके उसकी जो आयु है वो तो सेकंड हाउस है, दो ही तो प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपना और अपने से अष्टम का वो होगा अधिपत्य है, मंगल और शुक्र. ना, शुक्र ठीक है, मंगल। जीव बृहस्पति यूनिवर्सल जीव कारक है, स्त्री पुरुष दोनों. ठीक है, फिर अगर हम उसको बायफर्केट करें, शुक्र जो है स्त्री कारक है, मंगल जो है पुरुष कारक है. ठीक है जी, तो ये हमारा आज का सेशन था. अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं.